लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला देखने लई सब्सक्राइब करो चैनल पंजाब ते प्रेस करो बेल आइकन। पंजाब दियां लोकसभा चोणां च कुछ ही समा बाकी रह गया, जिसनूं लै के सारे सियासी लीडर तरलो मच्छी होए पए ने ते उम्मीदवारां वल्लों नामजदगी पत्र दाखल करन दा सिलसिला भी लगातार जारी है। इन्ना ही नहीं, हुण सियासी लीडरां दे पैर गुरु की नगरी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब वल भी हो गए ने, क्योंकि हुण पंजाब दियां लोकसभा चोणां नेड़े ने तां गुरु घर का आशीर्वाद भी इन्हां लीडरां लई बहुत मायने रखदा। जिहदे मद्देनज़र श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल हरिमंदर साहिब पहुंचे। उस तो बाद उन्होंने पत्रकार नाल गलबात करदिआं सुखबीर बादल ने कैप्टन नूं निशाने ते लैंदिआं जम के पड़ास कढ़ी, कहा कि चोण जिवें दा माहौल बनिआ होइआ उसदे नतीजे वधिआ आउणगे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा मंत्री अते विधायकां नूं आदेश दे के अपनी हार मान ली है ते उन्हां नाल कैप्टन नूं जवान दे पक्के रहण की बेनती की। कैप्टन साहब ने अपनी हार मान ली है, बंदा वो अपने वर्करां नूं धमकाउंदा जिहड़ा डर पै जाए जी। कैप्टन साहब नूं डर पै गया कि उन्होंने वर्कर उन्होंने MLA उन्होंने मंत्री अपने अपने हल्के तो हार रहे हैं, सो कैप्टन साहब धमकाउण लग गए है। मैं कैप्टन साहब नूं आई बेनती करदा कि जो जबान की पर तुम जबान के पक्के तो है नहीं, गुटका साहब भी झूठी सौं खा सकते हैं तो अपनी जबान के पक्के रहन, क्योंकि थोनू भी अपनी मुख्यमंत्री छड़नी पैनी है। पटियाला हल्के तो उन्होंने धर्मपत्नी हार रही है। मैं वही कहना ना, कैप्टन साहब पिछले 2 साल के सुते पे है, उन्होंने ना कि कागज़ देखा ना फाइल देखिया। जेडे फूड पार्क जेडे 3 बनाए है वो गए नहीं, उत्थे जेडे 40-50 कोल्ड चेन दित्तियां पंजाब नूं कैप्टन साहब नूं पता नहीं उन्हां बारे। एक्चुअली सब तो निखिद निकम्मा निकलैक मुख्यमंत्री आपां नूं मिल गया है, उन्हूं पता ही नहीं स्टेट च की हो रहा है। जे उन्हूं पता ही नहीं स्टेट च हो रहा, पहले कर कैप्टन साहब अपने महकमे फूड प्रोसैसिंग पंजाब तो पुछो किन्ना काम किन्ने प्रोजेक्ट इत्थे आए आ पंजाब दे। जगमीत बराड़ दे अकाली दल च आउण ते पुछे सवाल ते सुखबीर बादल ने कहा कि बराड़ दे आउण नाल पार्टी मजबूत हुई है, ते नाल ही सुखबीर बादल ने कहा कि जिहड़ा गुरु घर दा पैसा खावेगा उसका माड़ा ही होवेगा, ते सनी देओल दे आउण नाल सुनील जाखड़ दी जमानत जब्त होवेगी। अपनी रोल जिहड़ी सिख धार्मिक जिहड़ी इंस्टीट्यूशन है उन्हें कितने बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिहड़ा बंदा गुरु घर तो पैसा खाऊगा ना मर जूगा, परिवार को कितने गुरु जिहड़ा गुरु घर ना ठगी मार सकता है वो तो माड़ा बंदा ही नहीं कोई हो सकता। पहली गल है। दूजी गल, श्रोमणी अकाली दल पंथ ते पंजाबियों की नुमाइंदा जथेबंदी है। तुसी देखिया है कि श्रोमणी अकाली दल दे राज दे दौरान ही पंजाब तरक्की हुई है। कैप्टन साहब ते कांग्रेस तो कल्ले नोट कमाउण लुट्टन आउंदे आ, जिवें मुगल आए सी लुट के चले गए उवें कांग्रेस आउंदी है। तुसी चारों तरफ देख लो, भावें श्री अमृतसर साहब देख लो, जो कुछ बन इत्थे बनिया तुसीं दसो बादल साहब दी सरकार दे टाइम ते इन्हां ने तो खराब कीता है। उत्थे दूसरे पासे कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ भी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब मत्था टेकन दे लई नतमस्तक होए, जिथे उन्होंने सुखबीर बादल नूं आड़े हथी लैंदिआं उन्होंने हंकारी दस्या। जाखड़ ने कहा कि सनी देओल नाल मेरी कोई लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई उपर बैठे उस कलाकार नाल है जो नेता ते अभिनेता बन के लोगों नूं बेवकूफ बना रहा। अज जिहड़े है भाईवाल है BJP दे साडे इत्थे पंजाब दी अकाली पार्टी, उन्होंने मोदी साहब दे डर तों दिल्ली के हुक्मराना के अगे मोदी साहब के सामने गोडे टेक रखे हैं। जिस पावन गुरु घर साहब से खड़े हैं उस हरिमंदर साहब के लंगर के उत्ते GST जदों लगी, आ जिहड़े पंथ के रखवाले सीगे, आ जिहड़े अकाली दल ते आ सुखबीर जी जिहड़े प्रधान है, इन्हां ने आवाज़ नहीं कढ़ी। अज इत्थे आ के गुरु घर च इस किस्म दीआं गल्लां करदे है, आ निरा इन्हां दा अहंकार है। ते जिस तरह कहिंदे है अहंकारिया सो मारिया, गुरु की मार जिहड़ी पऊगी इस अहंकार नूं लोकां दे पंजाब ने भन्नता,
ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਬਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਵੱਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਵੱਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲੱਗਣਗੇ ਵੱਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਲੜ ਫੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤਲੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ।